से आप लोग उम्मीद है ठीक होंगे जी। थर्ड क्लास आपने उर्दू की बुक निकाले, उर्दू की बुक का आज हमने लेसन करना है दूसरी चादर। दूसरी चादर हाँ जी, दूसरी चादर की हम रीडिंग कर चुके थे, पास मायने भी इसके कर लिए थे हमने, लेसन के वाहिद जमा भी कर लिए, तो उम्मीद है आपने होमवर्क लिखा भी होगा। ठीक है, अब आगे इसकी एक्सरसाइज देखिए, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, लगे हुए हैं इधर, तो दुरुस्त लफ्ज पर देखें। अब आदमी आप बताना चाहिए, आदमी में अलिफ मदा आता है, ठीक है, ना अलिफ से बनता ना एन से, जहाँ अलिफ मदा आ दाल मीम छोटी मीम आदमी होगा उसे आपने सर्कल करना है। ठीक है, कमीज़, अब कमीज़ में देखें, एक तो नुक्तों वाला काफ है, दूसरा स्वाद है ना सीन है और ना ही डंडे वाला काफ। नुक्तों वाला काफ इसमें है, स्वाद भी है, ये ठीक है, इसे सर्किल करें। हाकिम में डंडे वाला काफ होगा और हलवे वाला ही होगा। ठीक है, हलवे वाला ही लिफा काफ मतलब काफ से मीम की हाकिम। उसके बाद हिस्से, हिस्से में हम लिखते हैं हे हलवे वाला और स्वाद बढ़िए से हिस्से, ये चाहो उसे ठीक कर दें। बुलाया, अब ना तो वाओ, वाओ का वाओ की जगह पेश है बी के ऊपर, बे पेश बू लाम अलिफ ला ये लिफिया, ये बलाया है, ये गलत है, बे पेश बू लाम अलिफ ला ये लिफिया। ठीक है, ये आपने सर्कल करने है इसी तरह अपनी बुक पर। देखिए उसके बाद, हज़रत उमर रजी ताला अना कौन थे, आपको पता है मुसलमानों के खलीफा थे, ये आपने अपनी बुक पर भी लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है। हाँ जी, लिखेंगे मुसलमानों के खलीफा, खेजर लमजर लिफेफा खलीफा, सॉरी खलीफा थे। ठीक है, मुसलमानों के खलीफा थे, खलीफा मैंने आपको बताया था कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद और नायब, ये खलीफा का मायने था। हज़रत उमर रजी ताला अना की कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी, दो चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखें, हज़रत उमर रजी ताला अना को किसने अपने हिस्से की चादर दी, उनके बेटे ने अपने हिस्से की चादर दी। ठीक है, ये आपके सवाल जवाब हैं, आपने पेंसिल से अपनी बुक पर इसे लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है। अरकान मिलाएं, ये हरूफ तो नहीं है, देखें हरूफ मिले हुए, अरकान खेजर खेजबर लमखल लामजेर यली हली फेहफा खलीफा, हेजबर हेलिफा काबजेर मिमकिम हाकिम, बेजबन बन वाहफा बन वाह हमजा छोटी बनवाई वालिफा लामजे दालिद वालिद चिलिपचा दालजबर दा, चादर। ठीक है, ये हरूफ हो गए। उसके बाद मंजिल को उनके मुतजाद से मिलाएं, मन तर्ज से अल्फाज को उनके मुतजाद से मिलाएं, उल्ट से सवाल जवाब दिन रात ज़्यादा कम नई का उल्ट क्या होगा पुराने, इसी तरह आपने इनके बनाने जुमले, मस्जिद सॉरी सवाल मस्जिद चादर कपड़ा कमीज, आपको पता है जुमले कैसे इन अल्फाज का जुमलों में आना लाजमी है। सवाल, फ़कीर ने सवाल किया, मैंने सवाल के जवाब लिखे, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, चादर मेरे पास एक चादर है, हज़रत उमर की कमीज़ दो चादर के कपड़े से बनी। ठीक है, कपड़ा ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा उमदा है, कमीज़ मेरी कमीज़ बहुत अच्छी है, मेरी कमीज़ का रंग काला है, इस तरह आप कोई भी अपनी अल्फाज में जुमले बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइज, होमवर्क में आपका होमवर्क जो है थर्ड क्लास वो क्या है, ये आपका पहला ही लेसन है ना, आपने होमवर्क देखे, होमवर्क नोट कर लें, दूसरी चादर की तमाम मशक्ति होमवर्क लिखनी है, सॉरी होमवर्क तो मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है लिखनी है, और इमला लिखनी है।
और इमला लिखनी है, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, सबक दूसरी चादर की तमाम मशक लिखनी है और इमला लिखनी है। हाँ जी, अब आपने ग्रामर का जो करना है वो मज़मून लिखेंगे आप। मेरा घर, मज़मून आपने लिखना है मेरा घर। इसके बारे में आपने 12 लाइन्स अपने घर को अपने माइंड में रखें, सोचे और उसकी लाइनें लिखनी है आपने। ठीक है, उसे आप कहते हैं मज़मून। अपने घर पर रखें कि मेरा घर है, मेरा घर। एक मज़मून मेरा घर लिखना है आपने। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा घर है, मेरा घर साफ़ सुथरा है, मेरा घर कुशादा और खुला है, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे घर के तमाम कमरे हवादार हैं, मेरे घर में दरख्त है, मेरे घर में एक बड़ा सहन है, मैं अपने घर में अपनी माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहता हूँ, मुझे अपने घर से बहुत मोहब्बत है, मैं अपने घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ, मेरे घर में एक छोटा सा बाग है। ठीक है, मेरा घर साफ सुथरा और मज़बूत बना हुआ है, मेरे घर का एक बड़ा दरवाज़ा है, मेरा घर शहर में वाक़िया है, मैं अपने घर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, ये आपने लिखना है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अपना होमवर्क फ्राइडे वाले दिन स्कूल में जमा भी करवाना है। ठीक है, अल्लाह।